proportion to the strength of the current passing through the given conductor. Given conductor only now, providing temperature and other physical conditions remain constant. This becomes Ohm's law. क्योंकि ओम वाज द साइंटिस्ट, उसने पता लगाया. अब ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हम बाद में करेंगे. नाउ वी आर टेकिंग ये जो वी इज प्रोपोर्शनल टू आई है, इसको बेस बना के आगे चल रहे. वी इज प्रोपोर्शनल टू आई है तो मैच के रूल के हिसाब से जो रेशियो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है. ये रूल है, यानी ए वन इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी वन, ए टू इज प्रोपोर्शनल टू बी टू, ए थ्री इज प्रोपोर्शनल टू बी थ्री. जब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनकी जो रेशियो होगी ए वन अपॉन बी वन है ना, वो ए टू अपॉन बी टू, वो ए थ्री अपॉन बी थ्री, वो कॉन्स्टेंट नंबर के बराबर रहती है हमेशा. ये मैथ्स का रूल है. जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो रेशियो कॉन्स्टेंट होती, डिफरेंट वैल्यूज ले लो उनकी रेशियो निकालो तो सेम निकलेगी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होता है. आपने डिफरेंट वैल्यूज ली, ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज ली, उनको मल्टीप्लाई करा तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट आएगा, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो वाले एक को दूसरे से डिवाइड कर रहे तो रेशियो कॉन्स्टेंट आएगी. तो ये चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए वी अपॉन आई जो होगा ये कॉन्स्टेंट होगा, और वो कॉन्स्टेंट जो है उसको उन्होंने नाम दिया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. बाद में उसकी वैल्यू निकाली तो वैल्यू कितनी निकली, जो कंडक्टर का जो गिवन कंडक्टर उसका जो रेजिस्टेंस था, अगर गिवन कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो था वो 10 ओम था तो ये वैल्यू 10 ओम निकली एसआई यूनिट. अगर वो 20 ओम था तो ये वैल्यू डिवाइड करके कितनी निकलेगी, 10 ओम. तो वी इज प्रोपोर्शनल टू आई और रूल्स के हिसाब से वी अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मैथ्स का वो रूल है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को क्या माना, आर. अब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं. रेजिस्टेंस की एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, एक फॉर्मूले से. तो पहले थ्योरेटिकल डेफिनेशन दे देते हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, बाद में डिवाइड करेंगे. ये फॉर्मूले से, फॉर्मूले से जो वैल्यू निकलती है वो स्ट्रेंथ की निकलती है वैल्यू की, थ्योरेटिकल में वैल्यू नहीं निकलती. थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है कि व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर इट ऑब्स्ट्रक्ट द करंट. कंडक्टर क्या करता है, करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट. दिस ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो रुकावट डाल रहा है, दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. फिर रिपीट करो, आप एक बार मैं जाऊंगा तो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, सारी बातें सुन लीजिए. व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर देन द कंडक्टर ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट. ऑब्स्ट्रक्ट द यानी उसको करंट को रोकता है वो, कि ना जाए करंट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट. दिस ऑब्स्ट्रक्शन बाय द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द करंट. रेजिस्टेंस का फर्स्ट वर्ड आता है ऑफर्ड, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द करंट. दिस इज ए थ्योरेटिकल डेफिनेशन. अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देनी है तो इस फॉर्मूले को वर्ड्स में लिख दो. क्या है रेशियो, ये जो फ्रैक्शन होता है तो रेशियो के लगती है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन कंडक्टर. यानी कंडक्टर तो हजारों लाखों है ना, तो हम एक फिक्स कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसकी जिसमें करंट वी, करंट पोटेंशियल डिफरेंस का वी है और करंट कितना पास हो रहा है आई, इसकी हम बात कर रहे हैं, है ना. गिवन कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, करंट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये लॉ है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट. स्ट्रेंथ ऑफ करंट चेंज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा. तो क्या है थ्योरेटिकल मैथमेटिकल डेफिनेशन, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर ऑफर कर रहा है ऑफर इसलिए कहते हैं कि रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता. आपकी जेब में 50 रुपए आप कहीं भी चलाओ 50 ही रहेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस भी रहते होकर कंडीशन बदल जाएगी तो रेजिस्टेंस अपने आप ही बदल सकता है. टेम्परेचर चेंज हो गया तब भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो गुड कंडक्टर मेटल एलिमेंट जो होते हैं वायर, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है. और जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और इंसुलेटर्स जिनमें करंट पास नहीं हो सकता
उनमें जब टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। तो रेजिस्टेंस अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है, तो जो कंडीशन आप यूज कर रहे हैं उसमें कितना रेजिस्टेंस है उसकी बात हो रही है, इसलिए उसको कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। डेरिवेटिव दिस डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द एंड ऑफ ए कंडक्टर, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द एंड ऑफ ए कंडक्टर टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड या इज नोन एज ऑफर्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द गिवन कंडक्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यानी इसके हिसाब से अगर V की वैल्यू V1 और करंट की I1 है, B की वैल्यू चेंज होकर V2 हो जाए करंट I2 हो जाए, V की वैल्यू चेंज होकर V3 हो करंट I3 हो जाए, तो ये सेम वैल्यू निकलेगी यानी सेम रेजिस्टेंस निकलेगा। अगर रेजिस्टेंस 10 ओम है तो ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा और ये भी 10 आएगा। समझ में आ गई बात? अब हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है, क्या ओम, और इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें रेजिस्टेंस डिफाइन करना है इसका यूनिट, इसको मैं रख कर लूं तो ये हो जाएगा। अगर हमें वन ओम मेरे बताते थे यूनिट डिफाइन करते हैं तो सबकी यूनिट लिख देते हैं, और जो नंबर जो नंबर चाहिए वो नंबर डिवाइड हो गया आना चाहिए, तो वन चाहिए तो ये हो जाएगा वन वोल्ट अपॉन वन एम्पियर। अगर आपको सिक्स ओम चाहिए, आसानी के लिए न्यूमेरेटर वही कर दो जो चाहिए तो उस डेट इजी मतलब तो हजार तरीके निकाल देंगे, सिक्स वोल्ट अपॉन वन एम्पियर। आपको वन किलो वोल्ट चाहिए, वन किलो ओम चाहिए, वन किलो ओम का मतलब 1000 ओम, ऐसा यूनिट हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ऐसा यूनिट में बदलना पड़ेगा, क्या हो जाएगा ये 1000 वोल्ट अपॉन 1 एम्पीयर। अगर 10 एम्पीयर कर दिए 1000 कर दिए कैंसिल हो गए फिर बन जाएगा, वेन डिवाइड करके वही आंसर आना चाहिए जो हमें चाहिए। अब हम पहले डिफाइन कर रहे हैं 1 ओम को, तो क्या फिर इफ 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, इफ 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग टू द कंडक्टर इज 1 एम्पीयर, देन इफ के बाद देन होता है देन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर विल बी 1 ओम। आपको 6 ओम डिफाइन करना है, तो इफ 6 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the points of the ends of the conductor of the given conductor across the ends of the given conductor, ये given conductor है तो हम across की बात कर रहे हैं, मतलब इसके ये end point इसके बीच में जो potential difference है, इस 6 volt का potential difference across the ends of the given conductor and कितना 1 ampere current is passing through the conductor, then then is by the resistance offered by the given conductor will be 6 ohm. आपको 1 किलो ओम या 1000 ओम उसको पहले यू एस आई यूनिट में बदल देंगे, मैंने आपको डिफाइन कर दिया 1000 ओम या 1 किलो ओम, तो इफ 1000 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंड्स ऑफ ए गिवन कंडक्टर एंड 1 एम्पीयर इज करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन कंडक्टर, देन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द गिवन कंडक्टर विल बी 1000 ओम या 1 किलो, क्योंकि 1000 ओम 1 किलो ओम के बराबर होता है। डेफिनेशन समझ में आ गई? यानी आपको मैंने ओम्स लगाकर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन दी, थ्योरेटिकल क्या थी वो ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट पासिंग थ्रू द गिवन कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, और दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन थी वो उससे आ गई। इस मैथमेटिकल डेफिनेशन में रेशियो के फॉर्म में डिफाइन करेंगे, इसमें हमने 1 एम्पीयर और 6 ओम डिफाइन करा, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हमारा है कि रेजिस्टेंस डिपेंड टाइम पे करता है, रेजिस्टेंस बेसिकली जो मेन फैक्टर है उसमें 3 फैक्टर है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान आ गया। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा है रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर
जिसको हम बाद में रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, और इनको जब हम मिलाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा रेजिस्टेंस का, रो रेजिस्टिविटी को डिपेंड करता है एल अपॉन ए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और गोल अगर सर्कुलर है कोई चीज तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या फॉर्मूला होगा, सर्कुलर का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं रो इंटू एल अपॉन, तो दो फॉर्मूले, अगर एरिया डायरेक्ट दे रखा है तो ये यूज करेंगे, अगर रेडियस दे रखा है तो एरिया निकालने के लिए बाई आर स्क्वायर। तो हम कैसे हम डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टर एंड थर्ड इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन। अब आप कहेंगे सर टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, करता है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर नहीं आ रहा फॉर्मूले में, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि फॉर्मूले में हम रेजिस्टिविटी यूज कर रहे हैं जो हम टेम्परेचर के हिसाब से लेंगे, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, तो हम दो दफा टेम्परेचर को यूज नहीं करेंगे, एक दफा हमने टेम्परेचर को रेजिस्टिविटी में यूज कर लिया तो अब दोबारा यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, क्योंकि अगर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से लेंगे तो टेम्परेचर का यूज आ गया ना रेजिस्टिविटी की शक्ल में, क्योंकि टेम्परेचर बदल गया तो रेजिस्टिविटी भी बदल जाएगी, इसलिए जब भी कभी रेजिस्टेंस दिया होगा टेम्परेचर हिसाब से लिखा होगा या रेजिस्टिविटी दिया होगा टेम्परेचर हिसाब से लिखा होगा कि इस टेम्परेचर पर यह रेजिस्टेंस है या ये रेजिस्टिविटी है। अगर टेम्परेचर बदल गया तो वो वैल्यू यूज नहीं कर सकते जो वहां दे रखी, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट रेजिस्टिविटी होगी वो दी होगी वहां पर सवाल में या हमें याद कर या टेबल में मिल जाएगी। तो क्या है रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे देखा जाए तो चार फैक्टर टेम्परेचर में जाकर डायरेक्टली मेटेरियल के अंदर कि डायरेक्टली इनवर्सली नहीं आता, मेटेरियल के ऊपर होता है द मेटेरियल ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी के साथ डायरेक्टली आ रहा था मेटेरियल के साथ नहीं आया। बात समझ में आ गई, इन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब एक और चीज में आ रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, ये तो फैक्टर्स हो गए जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो L upon pi r square, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर के बारे में ये अज्यूम कर रहे हैं कि सर्कुलर है, जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, और सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, अब इसका अगर हम रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालेंगे तो ये सारे यूनिट हम पुट कर देंगे तो रो जो है वो होगा रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसके हिसाब से हम रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालेंगे तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर है तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा खाली मीटर न्यूमरेटर में, तो यूनिट क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी का ओम मीटर, ऐसा यूनिट ओम मीटर होगा, ऐसा यूनिट नहीं है सीजीएस सिस्टम में तो ओम सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट का मतलब सबसे ज्यादा ऐसा यूनिट में होनी चाहिए, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी गिवन टेम्परेचर पे मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, मेटेरियल बदल जाए तो रेजिस्टिविटी भी बदल जाएगी प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अदरवाइज रेजिस्टिविटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, मेटेरियल पे भी और टेम्परेचर पे भी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो खाली मेटेरियल पे डिपेंड करेगी, और अगर मेटेरियल कांस्टेंट है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, दो फैक्टर इन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, टेम्परेचर है मेटेरियल, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मेटेरियल पे डिपेंड करेगी, मेटेरियल बदल गया तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, और अगर मेटेरियल कांस्टेंट है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी दे रखी है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दी होगी, तो फिर सिल्वर मेटेरियल है वो कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर बदलने का रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, समझ में आ गई बात, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टिविटी
और मेटेरियल भी कॉन्स्टेंट है तो रेसिविटी सेम ही रहेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है मेटेरियल कॉन्स्टेंट नहीं है तो रेसिविटी अलग अलग मेटेरियल की अलग अलग होगी। तो रेसिविटी की डेफिनेशन क्या है ये मैं बता दूँ, बड़े आसान डेफिनेशन है। इस फॉर्मूले से अगर हम डिफाइन करें, जब हम फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं तो जिसको डिफाइन कर रहे हैं उसे वो फॉर्मूले का जो मेन फैक्टर है रेसिविटी उसको जोड़ दिया, बाकी सबको वन कर दो, यानी इन सबको वन कर देंगे तो फॉर्मूले में रो इज इक्वल टू आर बचेगा। मैं हमको वन रेसिस्टेंस की ये रेसिविटी जो है रेसिस्टेंस को रेसिविटी को रेसिस्टेंस से डिफाइन करता है, लेकिन इसमें एरिया भी आ रहा है लेंथ भी आ रही है, तो ये फॉर्मूले में वन हो जाए इसके लिए क्या रूल है कि एरिया भी वन हो और तो वन अपॉन वन कैंसिल, वन ही तो बचेगा ना, ये दोनों कैंसिल होगी क्या बचेगा रो इज इक्वल टू आर। तो रेसिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, आसान डेफिनेशन, ये तो रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 meter SI unit में, an area of cross section is 1 square meter या 1 meter square, यानी वो कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 meter है और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 square meter है, उस कंडक्टर का जो भी रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टेंस तो कहेंगे, लेकिन इन डायमेंशन के साथ जो रेजिस्टेंस है उसका दूसरा नाम रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टेंस तो कराएगा वो, लेकिन डायमेंशन अगर ये है जो हमने बताई है तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी। Then the resistance is also called resistivity of the given conductor, of the given material at the given temperature. When if temperature will change, the material will change, resistivity will also change. So what is resistivity? This is the resistance of a given conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter. If दोनों की value 1 कर दी, तो एक 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एक तरह रेसिविटी बचेगी और एक तरह रेजिस्टेंस बचेगा। जैसे हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट को 9th में डिफाइन करा था, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिस फॉर्मूले में था वो फॉर्मूला था F = gm1 into m2 upon r² d² तो हमने इन सबको वन कर दिया था तो खाली एफ और जी बचा था, ये सब जब वन हो जाएंगे तो हमने कैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट डिफाइन करा था याद करो, मैं बताता हूँ। ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है वन मीटर, तो सब वन हो जाएंगे तो बचेगा एफ और जी बचेगा। तो हमने कैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट डिफाइन करा था, ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट की डाइमेंशंस क्या है, मासेस आर 1 केजी ईच एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, तो हमने भी स्क्वायर लिखे। तो यहां भी वही करा कि जो जिस चीज का वो कांस्टेंट था रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में कांस्टेंट आया था तो रेजिस्टेंस और कांस्टेंट को जोड़ दिया रेजिस्टिविटी को, बाकी सबको वन कर दिया, तो क्या होगा रेसिविटी द रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर हुज दोनों में कोई भी वैल्यू बोलते से वो प्रॉब्लम पड़ता, हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, या इसको हम 1 मीटर अगर लेंथ हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो तो वो क्यूब होता है 1 क्यूब, यानी अगर किसी क्यूब की लेंथ भी 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 हो तो उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है एरिया इनटू लेंथ, एरिया 1 लेंथ भी 1 तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब ऑफ द मटेरियल हुज डायमेंशन इज 1 मीटर, हुज डायमेंशन इज, इसका मतलब लेंथ भी 1 ब्रेथ भी 1 और हाइट भी 1। ये बात समझ में आ गई, तो आप ये उतार लें फटाफट, 5-7 मिनट लगेंगे, मैं इतने मजदूर के नमस्कार।